दौरान मेरे करीब 17,000 मजदूर भाई बहनों और 1500 इंजीनियर्स को सीधा रोजगार मिला। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट से जुड़े कारोबार, निर्माण से जुड़े दूसरे बिजनेस में जो रोजगार मिला वो अलग है। अब ये इस पूरे क्षेत्र में हर प्रकार के बिजनेस को बल देगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग लाइफ इसके लिए बढ़ाएगा। मेरे परिवारजनों, आज भारत का विकास दो पट्टियों पर एक साथ हो रहा है। आज एक तरफ गरीब का जीवन बेहतर बनाने के लिए महाअभियान है तो दूसरी तरफ देश के कोने कोने में चल रही महापरियोजनाएं, हम अटल पेंशन योजना भी चला रहे हैं और अटल सेतु भी बना रहे हैं, हम आयुष्मान भारत योजना भी चला रहे हैं और वंदे भारत अमृत भारत ट्रेन भी बना रहे हैं, हम पीएम किसान सम्मान निधि भी दे रहे हैं और पीएम गति शक्ति भी बना रहे हैं। आज का भारत ये सब कुछ एक साथ कैसे कर पा रहा है? इसका जवाब है नियत और निष्ठा। हमारी सरकार की नियत साफ है। आज सरकार की निष्ठा सिर्फ और सिर्फ देश के प्रति और देशवासियों के प्रति है, और जैसी नियत होती है, जैसी निष्ठा होती है, वैसे ही नीति भी होती है, और जैसी नीति होती है वैसी रीति भी होती है। जिन्होंने लंबे समय तक देश पर शासन किया, उनकी नियत और निष्ठा दोनों सवाल के घेरे में रही। उनकी नियत सिर्फ सत्ता हासिल करने की रही, वोट बैंक बनाने की रही, अपनी तिजोरियां भरने की रही। उनकी निष्ठा देशवासियों के प्रति नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने परिवारों को आगे बढ़ाने तक ही सीमित रही। इसलिए वो न विकसित भारत के बारे में सोच सके, न आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लक्ष्य बना सके। इससे देश का कितना नुकसान होता है ये जानना भी जरूरी है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, 2014 से पहले के 10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सिर्फ 12 लाख करोड़ रुपए बजट दिया गया था, जबकि हमारी सरकार ने 10 वर्षों में हमने 44 लाख रुपए का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया है। तभी तो आज देश में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। महाराष्ट्र में ही केंद्र सरकार करीब 8 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या तो पूरा कर चुकी है या उन पर काम चल रहा है। यह राशि हर सेक्टर में रोजगार के नए अवसरों को बढ़ा रही है। साथियों, हम आज देश के हर परिवार को बुनियादी सुविधाओं के सैचुरेशन यानी 100% कवरेज का मिशन लेकर चल रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। मोदी की गारंटी वहां से शुरू होती है जहां दूसरों से उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। हमारी बहनों बेटियों ने तो सबसे अधिक अनुभव किया है। गांव या शहर, साफ सफाई से लेकर पढ़ाई, दवाई और कमाई, हर योजना सबसे अधिक लाभ हमारी माताओं बहनों को हुआ है। पीएम जनऔषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट के साथ दवाई दी जा रही है। मोदी की गारंटी गरीब परिवार की बहनों को पक्का घर देने की है। जिन्हें पहले किसी ने नहीं पूछा, उन्हें पहली बार मोदी ने पूछा है, उन्हें बैंकों से मदद दिलवाई। पीएम स्वनिधि योजना से यहां मुंबई के भी हजारों रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनों को फायदा हुआ है। हमारी सरकार महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी मदद दे रही है। बीते कुछ सालों में हमने बहनों को लखपति दीदियां बनाई है और अब मेरा संकल्प है आने वाले सालों में 2 करोड़, यह आंकड़ा सुनकर के कुछ लोग चौंक जाते हैं, 2 करोड़ महिलाओं को मैं लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य लेकर के चल रहा हूं। महाराष्ट्र के एनडी सरकार ने जो ये नया अभियान चलाया है ये नारी सशक्तिकरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। महामंत्री मुख्यमंत्री महिला सक्षमीकरण अभियान